सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्यावरण धर्म व रबन राखी मूवमेंट के परनेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने 9 वर्ष पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण अभियान में जुटे लोगों के बीच नए साल की खुशियां बांटी। पर्यावरणविद ने वर्ष 2020 के पहले दिन अपनी जन्मभूमि छतरपुर अनुमंडल के ग्राम पंचायत डाली बाजार के कौशल नगर स्थित मोहनलाल खुर्जा व पार्वती पार्क में पर्यावरण धर्म के प्रार्थना के साथ 12 मासी आम का पौधा लगाया। 9 वर्ष के मौके पर जुटे लोगों को पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों की शपथ दिलाते हुए कहा कि मानव जीवन में आने वाली हर खुशियां तब और बढ़ जाएगी जब मनुष्य अपने ऊपर मंडरा रहे प्रदूषण की खतरा को खत्म करने का उपाय कर लेगा। यह तभी संभव है जब 9 वर्ष समेत जीवन के हर मौके पर समाज के सभी लोगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए पौधारोपण करना होगा। इससे धरती और ब्रह्मांड के 84 लाख योनि जीवों पर जल संकट और ऑक्सीजन के बढ़ रहे खतरे को कम करने में काफी कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी एक निर्जीव पूर्जा बन गया है। जनसंख्या की असाधारण बुद्धि औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण को जन्म दिया और जो इतना विकराल रूप लेते जा रहा है जिससे मानवता के विकास का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हर व्यक्ति को पौधारोपण कर उसे बच्चे की तरह बचाने की जरूरत है, तभी मानव का अस्तित्व की रक्षा की जा सकती है। कार्यक्रम में संस्था के प्रधान सचिव पूनम जायसवाल, यूनिक प्लाई के प्रोप्राइटर अरुण कुमार जायसवाल, मुखिया अमित कुमार जायसवाल, सुचित कुमार, रामजी प्रसाद, लल्लू प्रसाद, रामजन्म यादव, गीता देवी, अल्पना देवी, ज्योति कुमारी, शिल्पा जायसवाल, सूरज जायसवाल, रॉकी जायसवाल, सुमित कुमार, अमन कुमार, पूर्णिमा कुमारी, अंकु कुमार, आशिका कुमारी, आद्रिका कुमारी इत्यादि उपस्थित थी।